टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करना है आपको। ओके, इंटरेस्टिंग बात है, इसमें रेडिकल साइन है, राइट। अब इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है कि हम कोशिश करेंगे रेडिकल साइन को रिमूव करें। रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग करनी होती है। लेकिन इसका सिंपल रूल ये है कि एक विदाउट रेडिकल है और एक रेडिकल है, तो आप सारी जो रेडिकल टर्म्स हैं उनको एक साइड पे रखें और विदाउट रेडिकल साइन जो टर्म्स हैं उनको राइट साइड के ऊपर रखें या लेफ्ट साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर रखना है। जैसे ये देखिए, आप देखिए रेडिकल साइन हमने एक्स प्लस फाइव यहाँ पे लिखे और ये जो प्लस एक्स था वो अदर साइड पे भेज दिया माइनस एक्स। यहाँ पे सारी जो है वो क्या है, नॉन रेडिकल साइन है, यहाँ पे रेडिकल साइन है, राइट। अब आपने क्या करा, रेडिकल को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। शॉर्ट में लिख दें इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। अब स्क्वायरिंग रूट कैंसिल किया गया एक्स प्लस वन। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ए का स्क्वायर 49, 2ab, 27 से 14 माइनस 14x एंड x का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, सही है। अब आप इक्वल टू जीरो करेंगे एक्स स्क्वायर, ये लिखा हमने, देखिएगा राइट, नज़र आ रहा है आपको। अब देखें ये माइनस 14x है, x को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये भी माइनस 14x होगा, तो माइनस 14x और माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 15x, ये देखें ये लिख दिया हमने। सिमिलरली प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस 5, 49 विद 5 गया 44। तो पहले हमने इक्वेट कर लिया इक्वेशन को, इक्वल टू जीरो। अब आप इसके फैक्टर बना रहे हैं, 11 फोर जो क्या होता है 44, मिड टर्म ब्रेक 11 और 4 15, 11 फोर जो 44, ये हमने इसके मिड टर्म ब्रेक कर लिया। अब इसमें से x कॉमन निकाला आपने, x कॉमन x माइनस 11, 4 कॉमन निकाला x माइनस 11, x माइनस 11 x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। आप पुट ईच फैक्टर इक्वल टू जीरो, तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, x माइनस 11 इक्वल टू जीरो, ये आ गया आपके पास, सही। अब इशू ये है कि कौन सा आंसर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। इसमें दो आंसर्स होते हैं, इसको वेरीफाई भी करना पड़ता है कि 4 जो है वो सॉल्यूशन है या 11 या दोनों है, तो उसके लिए वेरीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की वेरीफिकेशन है, क्वेश्चन को लिखें आप x प्लस अंडर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब हमने सबसे पहला आंसर हमारा 4 था, 4 सब्स्टिट्यूट किया है इसमें, देखें 4 प्लस अंडर रूट एक्स की प्लेस पे क्या रखा, 4, 4 प्लस 5 9, 9 का रूट 3, राइट, और इस साइड पे 7, तो 4 प्लस 3 7, 7 इज इक्वल टू 7। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, अगर वेरीफाई कर दिया, इसने वेरीफाई कर दिया सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या था आंसर, 11। अब 11 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, देखें हमने 11 को सब्स्टिट्यूट किया, प्लस एक्स की प्लेस पे 11 प्लस 5 इज 16, 16 का रूट 4, 11 प्लस 4 15, और यहाँ पे राइट साइड पे जो आंसर है वो किसको वेरीफाई करना है, 7, तो 15 और 7 इक्वल नहीं होते, इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं कर रहा, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, सही है।